इस ग्रुप के सारे शेयरों को एक बार देख ही लेते हैं। तो अदानी ग्रीन एनर्जी, इस पर क्या नजरिया बन रहा है? यहाँ भी लगभग 5.6% के आसपास की आज की गिरावट है, लेकिन उससे लग रहा है कि ये मतलब सर्किट के चक्कर में तो नहीं फंसा है, दबाव है लेकिन सर्किट वाला दबाव नहीं है। इसमें नसीब की बात है कि प्लेस बहुत कम है, लेकिन डेट एक्सेसिव है। डेट इक्विटी ऑलमोस्ट 8 टाइम्स है और वैल्यूएशन टोटली आउट है। तो फंडामेंटली किसी भी तरह से अदानी ग्रीन इस लेवल पे ना बाई है ना वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत नीचे जाना चाहिए, लेकिन फिर इसका टेक्निकल सिचुएशन देखते हैं क्या दिख रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो फंडामेंटली मेरे जो थॉट है, वैल्यूएशन बहुत एक्सट्रीम हाई है, इस वैल्यूएशन का सस्टेन होना मुश्किल है। अगेन चूंकि ओवरसोल्ड है इसलिए आप इसमें बाउंस उम्मीद कर सकते हैं, बट मुझे डाउट है कि 1650 के ऊपर इसमें बाउंस मिलेगा। नहीं मिलना चाहिए। 1650 मैक्स, मतलब मैक्स टॉलरेंस लेवल है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर शॉर्ट कवरिंग आती भी है तो अगर 1650 के ऊपर क्लोज लेने लगता है तो फिर डिस्कस करेंगे कि ठीक होता है कि नहीं होता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से अभी इसका शायद दूसरा राउंड का फॉल है, या हो सकता है पहला राउंड का फॉल है। अभी और एक राउंड तो कम से कम बाकी होना चाहिए वो फॉल, और चांसेस है कि इसका अभी का क्लोज है 11 1155। पचपन 1155 तो हाँ, 1000 के नीचे का लेवल भी एक्सट्रीम केस में टेस्ट हो सकता है। इसका इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है 1000, 1050 के रेंज सपोर्ट आ रहा है। तो चूंकि इंटेंसिटी ऑफ फॉल हाई है तो 1000 के नीचे भी डिप हो सकता है, लेकिन 1000 प्लस माइनस समथिंग अच्छा सपोर्ट इमर्ज होके आ रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी का। टेक्निकली फंडामेंटली बाई मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता बाबा। जी, और इससे पहले 2021 के जुलाई में ये लगभग 9.25 के आसपास इसने बढ़िया बेस बनाया था और वहीं से एक बड़ी चाल आई थी, मतलब सीधे 3 गुना हो गया था। तो क्या वापस उन लेवल्स तक आपको गिरता हुआ दिख रहा है या उससे पहले सपोर्ट मिल जाएगा? नहीं, 1000 के पहले तो सपोर्ट है ही नहीं। 1025 से शुरू हो रहा है सपोर्ट, तो 1000 तक तो मान के चलिए, और 1000 साइकोलॉजिकल लेवल भी आ जाएगा। और अगर अंडर शूटिंग हुई तो 900 जा सकता है, इसमें कोई डाउट जी।